हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि बारकोड जो है प्ले करने में मुझे रिंग फिंगर और जो पिंकी फिंगर है उसमें बहुत दर्द हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में हम बारकोड बजाना शुरू करते हैं तो ये जो दो फिंगर हैं हमारी, इनमें जो है एनर्जी नहीं होती है। तो इनमें एनर्जी लाने के लिए जो है फिंगर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
आपने हर एक स्ट्रिंग पे करनी है। और याद रखें, जब हमने लोअर नोट से हाई नोट पे जाना है तो वन देख, मेरी फिंगर देखेंगे आप उठेगी नहीं है, 1 2 3 4 यही रहेगी। तो ये 12th फ्रेट तक जो है वो सारी ही आपने स्ट्रिंग पे एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप, मुझे तो इस तरह से लगता है कि इन दो फिंगर में स्ट्रेंथ लाने के लिए जो हायर नोट से लोअर नोट पे जाएंगे, इस तरह से, और ये पूरी ही स्ट्रिंग्स पे करनी है, 6 के 6 स्ट्रिंग पे करनी है आपने। और ये हो जाती है आपके, उसके बाद जो है आपने एक बॉक्स लेना है, 5th से शुरू करना है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सीधे भी कर सकते हैं आप। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपने जो है वो इस तरह से पकड़ना है कोड ई, जो है वो इस तरह से पकड़ना है, तो ये फिंगर नहीं लगानी है बार पे, इसको ऐसे रहने देना है, स्ट्रमिंग करके ये प्रेशर देना है, प्रेशर रिलीज कर देना है, रिलीज कर देना है इस तरह से, सेकंड फ्रेट पे फिर रिलीज कर देना है। आपने हर एक फ्रेट जहां तक आपका जो है इजी रहता है आपको वहां पे शिफ्ट करना है, और उसके बाद आप जो है वो एक ही जो बार कोड पकड़ेंगे F, शुरू शुरू में ऐसे पकड़ने में अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। और ये जो ग्रिप जो है वो पहले आपने कस के पकड़ना है, फिर रिलीज करना है। स्लो मूव करना आपने, F G A F G A। इससे क्या होगा, आपकी जो ये फिंगर है, रिंग फिंगर और जो पिंकी फिंगर है, इस पे स्ट्रेंथ आएगी। तो इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ये थोड़ा सा, ठीक है, पहला स्टेप ये रहेगा आपका, फिर ये हो जाएगा तो आपने इसी स्ट्रिंग पे, उसके बाद आप एक बॉक्स पकड़िए, उस पे करिए आप ये, और इस तरह से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आपकी जो ये रिंग फिंगर और जो पिंकी फिंगर है इस पे ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाता है ये, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है। बार कोड पकड़ते हैं तो थोड़ा ये बेंड होती है हमारी जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेना है, इसको थोड़ा बेंड करना है। ये फिंगर जो है इस तरह से इधर से ग्रिड बनाने की कोशिश करनी है इसको, ये इस तरह से। और जब माइनर कोड लेते हैं F माइनर,
इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% श्योर है कि 10 to 15 days में आपकी ग्रिप जो है वो रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर की अच्छी तरह से बन जाएगी। सो कस के पकड़ना है, रिलीज करना है, कस के पकड़ना, रिलीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।